नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीटी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ जरूरी सवालों के जवाब दिए हैं। वैसे दोस्तों वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सही लोगों ने सवाल पूछा था, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर लोगों ने सवाल पूछा था और जो कि जरूरी है मैंने उन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो क्लिक कर दें, और ताकि दोस्तों जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास मैसेज आ जाए। और दोस्तों अगर नीचे आपको सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो क्लिक ना करें। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, अगर दोस्तों आप में से कोई भी अगर मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहता तो प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, हमारे फेसबुक पेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और दोस्तों वहाँ मुझे आप मैसेज कीजिए अपना फ़ोन नंबर लिख के और अपना सवाल लिख के, और फिर मैं आपको कॉल करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है प्रीति पासेलकर का, इनका कहना है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनवरी से पैसा मिलना शुरू होगा, यह सच है क्या, और डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स लेकर 100 रुपये पर सर्टिफिकेट ले रहे हैं, डाटा फीडिंग कर दिल्ली ले जाना है बोल रहे हैं, क्या उन पर भरोसा करें या नहीं, प्लीज़ आंसर दीजिए। तो प्रीति जी, अभी तक सेवी या लोढ़ा कमेटी ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है और कुछ कंफर्म नहीं है कि जनवरी में पैसे मिलने लग जाएंगे। और प्रीति जी किसी के बहकावे में ना आए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें, और जब तक सेबी या लोढ़ा कमेटी की तरफ से डॉक्यूमेंट जमा कराने को ना कहा जाए जब तक अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी अन्य संगठन को ना दें। और अगला सवाल है देवानंद जी का, उन्होंने पूछा है कि देव कुमार जी आपको क्या लगता है कि लोढ़ा कमेटी कब तक भुगतान करेगी। देखिए जब तक लोढ़ा कमेटी के पास जो पल्स की ज़मीनें अभी तक बची हुई हैं वो जब तक बिक नहीं जाती और जब तक सभी निवेशकों को देने लायक एक पर्याप्त राशि जमा नहीं हो जाती है, जब तक लोढ़ा कमेटी सभी निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाएगी। और दोस्तों पहले तो ज़मीनों की नीलामी ऑनलाइन की जाती थी और आप सभी को नीलामी के बारे में पता चल जाता था, ज़मीनों की कितनी कीमत है, ज़मीनों को कितने में बेचा गया, ये सब मैं आपको बता देता था। लेकिन दोस्तों अब लोढ़ा कमेटी ने नीलामी ऑफलाइन कर दी है, तो अब कब नीलामी शुरू हुई और कब ख़त्म यह पता नहीं चल पाता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन पहले सुनने में आया था कि पल्स की ज़मीनों की नीलामी शुरू हो चुकी है, और दोस्तों हो सकता है जल्द ही लोढ़ा कमेटी की तरफ से एक नई रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। तो दोस्तों अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही लोढ़ा कमेटी इस बारे में अपना रिपोर्ट सेबी को सौंपेगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अशोक चौहान जी का, इन्होंने कहा है व्हेन द रिफंड स्टार्ट सर प्लीज रिप्लाई सर। सी अशोक, अंटिल द लोढ़ा कमेटी इज नॉट सेल्स द ऑल पीएसएल प्रॉपर्टीज और अंटिल अ सफिशिएंट अमाउंट इज नॉट डिपॉजिट, अंटिल द लोढ़ा कमेटी विल बी नॉट एबल टू पे ऑल द पीएसएल इन्वेस्टर, लोढ़ा कमेटी इज ट्राइंग टू गेट योर मनी सून। तो दोस्तों अगला सवाल है सचिन कुमार जी का, इनका कहना है कि न्यायमूर्ति का नाराज़ होना लाजमी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यह सचिन जी उस बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि जो नए जज साहब आए हैं पीएसएल केस की सुनवाई करने के लिए, उनको वकीलों के तेज बहस के कारण उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने तारीख आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों सचिन जी उसी बारे में बात कर रहे हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं कि इनका क्या कहना है। न्यायमूर्ति का नाराज होना लाजमी है, और रही बात तथ्यों के अभाव की, तो क्या पीड़ित जनता का रोदन देखने के बाद भी किसी तथ्य की आवश्यकता है? कम से कम जनता की परेशानी को देखते हुए उन्हें इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि कैसे इस विकराल समस्या का समाधान हो। तारीख पर तारीख डालकर इस समस्या रूपी घाव को नासूर बनाया जा रहा है। उस वकील पर कार्रवाई करने से पहले उसके साथ जुड़ी हुई उस जनता को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल सही कहा सचिन जी आपने, जज साहब को गरीब जनता दिखाई नहीं दे रही है। जज साहब वकीलों की तेज आवाज़ से गुस्सा हो गए
और तारीख 2 फरवरी की दे दी। और जब पल्स निवेशक एजेंट के घर पर गाली गलौज करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं तो एजेंट निवेशकों को क्या तारीख दे, ये जज साहब ने नहीं बताया। इतनी छोटी सी बात पर जज साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने तारीख इतनी आगे तक दे दी और उन्होंने गरीब निवेशकों के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो सचिन जी, इस पर मैं क्या बोलूं, जज साहब को ही अगर हम गलत कहेंगे तो फिर न्याय कौन करेगा। देर ही सही पर न्याय तो मिलेगा ही। तो दोस्तों, अगला सवाल है रामपाल सिंह जी का। इनका कहना है कि देव जी, नेक्स्ट ईयर 2018 में रुपए मिल जाएंगे कि नहीं। तो रामपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि 99% चांस है कि 2018 में पैसे मिल जाएं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगली सुनवाई में जज साहब कहीं गुस्सा ना हो जाए, फिर अगली तारीख ना दे दें। इस केस पर जितना जल्द सुनवाई हो जाए उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगला सवाल है मुकेश सोनी जी का। इनका कहना है कि मोदी है जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो मुकेश जी, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि सेबी और लोडा कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन दिक्कत यही है कि वे लोगों के सामने आकर यह साफ साफ नहीं कहते हैं कि इतना समय लगेगा। और दोस्तों, दिक्कत यह भी है कि पल्स की समय समय पर पल्स की न्यूज़ टीवी न्यूज़ चैनलों में नहीं दिखाई जाती है। इस कारण भी कई पल्स निवेशक काफ़ी परेशान रहते हैं कि पल्स की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आ रही है, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि पल्स की छोटी मोटी न्यूज़ टीवी न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाई जाती है, लेकिन हाँ, पल्स की छोटी से छोटी न्यूज़ अखबारों में ज़रूर छपती है और वह न्यूज़ हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल की तारीफ भी की है, जैसा कि पंचदेव पटेल जी ने कहा है, गुड भाई सही जानकारी देने के लिए, और प्रकाश जी ने भी कहा है, थैंक्स भाई आप पर ही विश्वास है, और उपेंद्र शर्मा जी ने भी कहा है, यू आर द बेस्ट फॉर पीएसएल इन्वेस्टर। थैंक यू उपेंद्र शर्मा जी, थैंक यू फॉर ऑल। और मुकेश मौर्य जी ने भी कहा है, थैंक्स सर, आप हमेशा राइट न्यूज़ डालते हो, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल वाले फर्जी न्यूज़ डाल देते हैं। तो मुकेश जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कि फर्जी न्यूज़ डालते हैं, हम बस आपको समय समय पर सचेत करते रहते हैं कि क्या गलत है क्या सही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, जिन लोगों के भी सवाल रह गए हैं वह इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे फेसबुक पेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज पर जाके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो गुड बाय दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।